नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के बारे में। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक, मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर और लामा फेरा हीलर हूं। ये एक ऐसा स्टोन है जिसका हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज हर तरीके से इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, कूल करने के लिए। स्फटिक बोलते हैं इनको हम नॉर्मली अपनी हिंदी भाषा में। तो इसको 1008 मंत्रों की माला या 108 मंत्रों की माला को आप मंत्रों से चार्ज करके गले में पहनने से बहुत ही चमत्कारी लाभ देता है। नॉर्मली इसकी माला, इसको इस फॉर्म में रखा जाता है, इसी से बने होते हैं ये स्टोन, इसका यूज़ किया जाता है। ये अपने पास रखने से, इस स्टोन से ही बनी ही पेंसिल्स हैं, इसको अपने पास में रखने से ये बहुत तरह की आपको हेल्प प्रदान करता है। ये आपके, आप इसको जिस भी तरीके से प्रोग्राम करना चाहो कर सकते हो। उदाहरण के लिए आप इसको, मैं सिंपली अपने माथे से लगाकर इसे अफर्मेशन दे सकता हूँ। ये ब्रेसलेट और माला की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। ये ब्रेसलेट के अंदर लगा हुआ है, माला में लगा हुआ है, मतलब ये स्टोन लगा हुआ है, ये मिक्स माला है मेरे पास, इसमें लगा हुआ है ये। तो ये जो है क्लियर क्वार्ट्ज, ये आपकी किसी भी टाइप से इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। मन में अपार सुख शांति देता है और ये मन मान सम्मान को बढ़ाने वाला है, धन प्रदान करता है, जहां रखे आपके माइंड को पॉजिटिव बनाता है। तो माइंड पॉजिटिव होने से आपके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, तो सब तरह की नेगेटिविटी से मुक्ति मिलती है। किसी भी जगह पर कोई प्लेस ऐसा हो जहां पर मतलब नकारात्मक चीज़ें मौजूद हों, उस सब से मुक्ति मिल जाती है। आपने देख, सबसे ज़्यादा यूज जो इसका होता है वो होता है माला में। तो माला में किसी भी मंत्र का जाप करने से वे जल्दी शीघ्र हो जाते हैं। आपने कई बार कई मंत्रों में देखा होगा स्पेसिफिकली वो स्फटिक की माला का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। तो ये उस वे में बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत पावरफुल है। और जिनको भी ऐसा लगता है कि ये बीपी हाई रहता है या गुस्सा बहुत आता है, तो उनको स्फटिक की माला जो है पहननी चाहिए। साथ ही साथ इसे धारण करने से दिमाग बड़ी तेजी से डेवलप होता है। और अगर पेट में प्रॉब्लम है, कमजोरी है या ब्लड में इन्फेक्शन है, इस तरह की बीमारियों को दूर करने में बहुत उपयोगी है। और किसी भी पुरुष या स्त्री दोनों पे समान रूप से उपयोगी है। हम इसको, मैं यूजली इसको ट्री की फॉर्म में रखता हूँ अपने पास में। मतलब ये ट्री जो है ना, बहुत इजीली, क्योंकि ट्री से क्या होता है कि ट्री में आप इसको कहीं भी ऐसी जगह पर रख सकते हैं। ये ट्री में लगा हुआ है, क्लियर क्वार्ट्ज स्टोन यहाँ पर लगा हुआ है। ये ट्री, इसको आप किसी भी ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर आप अपनी पढ़ाई की जगह हो तो उसके पास में रख सकते हैं। इसको एक तरीके से माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और अगर किसी को शुक्र ग्रह से रिलेटेड समस्या है तो ये डेफिनेटली उसको स्वस्थ रखता है। ये दुख और दरिद्रता का नाश करता है। और खासतौर पे मंडे को अगर स्फटिक माला धारण करके परिपूर्ण शांति का एहसास होता है। ओम नमः शिवाय की अगर चैंटिंग साथ में करें तो बिल्कुल कमाल हो जाता है। तो इस तरीके से अगर ब्लड में इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम है तो सैटरडे को स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए और ओम शं शनिश्चराय का जाप करना चाहिए। ज़्यादा बुखार होने पर स्फटिक की जो माला है, क्लियर क्वार्ट्ज की जो माला है, इसको पानी में धोकर कुछ देर नाभि पर रखने से बुखार कम होता है और बहुत आराम मिलता है। तो ये मैंने आपको अलग अलग उपयोग बताए क्लियर क्वार्ट्ज स्टोन के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसको चार्ज करना हो, अपने क्लीन चार्ज करके हम इसका उपयोग करते हैं नॉर्मली, तो इसका उपयोग जैसे आमतौर पर किया जाता है कि हम इसको दोनों हाथों से रब करके इसको अपने हाथों के बीच में ऐसे रखते हैं, इसमें इंटेंशन डालते हैं कि क्रिस्टल प्लीज मेरे माइंड को शांत रखना, मेरी कंसंट्रेशन बनाए रखना और हर तरह से मेरे मन को नकारात्मक विचारों से बचाए रखना। तो इसके लिए हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये पूरा दिन ये वो काम करता है जिस चीज़ के लिए हमने इसे प्रोग्राम किया था। नॉर्मली हम इसको माला को प्रोग्राम करके पहनते हैं और बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत ही इजीली ये आपकी लाइफ में बड़ा चेंज ले आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।